أكبر ولله الحمد. इसराइल हमास युद्ध अब एक नई तबाही की ओर बढ़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला के भीषण हमले, जिनसे इसराइल हर रोज दहल रहा है। और अब तो हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि वो इसराइल के साथ सीधे युद्ध के लिए तैयार है। हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने अपने एक संबोधन में कहा कि हिजबुल्ला के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, और अगर युद्ध हुआ तो इसराइल के भीतर कभी भी ऐसी जगह नहीं होगी जो सुरक्षित हो। वहीं दूसरी तरफ IDF के उत्तरी कमांड के मुखिया ने भी हुंकार भरते हुए लेबनान पर आक्रमण को लेकर एक योजना को मंजूरी दी है, लेकिन इस सब के बावजूद हिजबुल्ला अपनी पूरी ताकत से उत्तरी इसराइल पर आग बरसा रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने मैतुल्ला सेटलमेंट्स में इजरायली सेना की पोजीशन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर हिजबुल्ला ने IDF पर ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने किरियत शमोना सेटलमेंट में IDF की 759वीं बटालियन ईस्टर्न ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर कत्यूशा रॉकेट और गोला बारूद दागा है। हिजबुल्ला का कहना है कि यह हमला लेबनान के यारोन और ख्याम इलाके में IDF के हमले के खिलाफ है। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने अल बगदादी सैन्य चौकियों में इजरायली सैनिकों की पोजीशन पर हमला किया है। इस अटैक के अलावा मैतुल्ला सेटलमेंट में भी IDF के जासूसी उपकरणों पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कफार चौबा हिल्स और अल समाका साइट्स और रामथा पर कई हमले किए हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हिजबुल्ला ने पूर्वी सेक्टर के अलावा पश्चिम सेक्टर में भी जल अल अलम साइट और अल राहिब साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि इन दोनों जगहों पर उसने भारी मात्रा में गोला बारूद फायर किया है। इन हमलों से पहले हिजबुल्ला ने इसराइल को अभी तक का सबसे बड़ा झटका दिया था। दरअसल हिजबुल्ला ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में अपना एक जासूसी ड्रोन भेजा था, और ये ड्रोन इसराइल के कई अहम सैन्य ठिकानों की जानकारी वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर लाया था। इस 9 मिनट के वीडियो को हिजबुल्ला ने बाद में जारी किया था। हिजबुल्ला ने ये तक दावा किया था कि उसके ड्रोन ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविक स्लिंग की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्रियों की जानकारी तक इकट्ठा कर ली है। यहाँ तक कि इनकी टेस्टिंग टनल्स की खुफिया जानकारी अब हिजबुल्ला के पास पहुँच गई है।